मैं साधना तिवारी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट रेसिपीज़ के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें, और उसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे मिस्सी रोटी, वो भी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में, जो बहुत सॉफ्ट हो। जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम आटा, खाने वाला डेली वाला, और 250 ग्राम बेसन, दोनों की मात्रा बिल्कुल बराबर है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1 हरी छोटी मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार, और ये आधी कटोरी हरी धनिया बारीक कटी हुई, और मैंने यहाँ आधी कटोरी करीब 2 टेबल स्पून देशी घी है जिसको अच्छे से मेल्ट कर लिया था, उसे भी डाल के आटे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये आलू, उबले हुए और ग्रेट किए हुए आलू हैं, ये करीब 3 आलू है, इसे हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है, ये ऑप्शनल है। अब बहुत कम पानी या फिर बगैर पानी के ही आटा सान के तैयार कर लेंगे। ये आटा मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा घी ऊपर से डाल के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इनकी लोइयां काट लेंगे, इस तरीके से थोड़ी सी मोटी रहेंगी। अभी थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे हमें थोड़ी सी मोटी मोटी और बहुत बड़ी नहीं रोटी बेल लेनी है, और अब इसे गरम तावे पे डाल के सेक लेंगे, दोनों तरफ से पलट के सेकेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट इसे गैस पे सेक लेंगे थोड़ा रेडिश और कुरकुरी टाइप। ये देखने में कुरकुरी होगी लेकिन खाने में बहुत ही सॉफ्ट होगी। ये रोटियां बनकर बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी सब्जी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको बनाने का आपका अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।